और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए। इन 6 चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए और बोर्ड में चले गए तो आपको 75 प्लस मार्क्स मिलने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, पर 95 प्लस लाना है। तो हम लोग सब लोग साथ में मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो पक्का ये होने वाला, ठीक है। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। जो हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहे थे और बोर्ड को प्रिपरेशन के ऊपर जो है वीडियोस बनना स्टार्ट हुआ था, जिसमें अभी तक 2 वीडियो बना था अकाउंटेंसी के ऊपर कि बिना न्यूमेरिकल के अगर हमें अकाउंटेंसी करना है तो कितने नंबर आ सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारा जो है हमें न्यूमेरिकल लगाना है तो कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा 100 में से 100 मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है आपको अकाउंटेंसी का पूरा चैप्टर्स बताया था, जो हमारा प्लेलिस्ट में वीडियोस लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप जाइएगा बोर्ड के प्रिपरेशन वाला प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा इस साल वाला, उसमें लाइन बाय लाइन जो है बोर्ड के प्रिपरेशन की वीडियोस आती रहेंगी। ये आज जो है तीसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के ऊपर, ठीक है, यानी BST व्यवसाय अध्ययन। इसमें कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसमें तो न्यूमेरिकल की बात नहीं है, इसमें तो केवल थ्योरी आता है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडी के अंदर जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, ये हम लोग बात करने वाले हैं। अभी हम क्वेश्चंस नहीं बता रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बता रहे हैं, आगे आप चैनल पे बने रहिएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी बताया जाएगा और ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक बार में दिया जाएगा। कम से कम क्वेश्चन दिया जाएगा और जितना दिया जाएगा, मतलब अगर अकाउंटेंसी में देखा जाए तो 30-35 क्वेश्चन होगा, BST में थोड़ा ज़्यादा होगा 40-50 क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स में भी 40-50 क्वेश्चन होगा पूरे बुक का, और वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने वाले हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस उसके आगे का क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। अगर आप उसको प्रिपेयर कर लिए तो वो सारे क्वेश्चंस ही आपको 2 नंबर के 3 2 नंबर के 5 नंबर के और 10 नंबर के, यानी ओवरऑल बोला जाए बाकी सभी बोर्ड के बारे में, तो सभी बोर्ड्स के उसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, हर तरह के क्वेश्चंस रहेंगे और सारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए। ये नहीं कि आप किसी अलग बोर्ड के हैं तो मेरे में नहीं फंसेगा, नहीं, आप किसी भी बोर्ड के हैं सब में ये चीज़ फंसने वाला है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि आप चैनल पर बने रहिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, साथ ही साथ प्ले स्टोर से ज्ञानाश्रम ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि उस ऐप पर जो भी चीज़ें आपको मिले वो आप उसको ले सके। साथ ही साथ उस पर बहुत सी चीजें फ्री में भी होने वाला है, जैसे बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो है MCQs की पूरी सीरीज होगी, वैसे तो MCQs सब में आता है लेकिन बिहार बोर्ड वालों के लिए MCQs की सीरीज होगी, जो प्रैक्टिस सीरीज होगी, फिर उसी तरह MCQs के इंपॉर्टेंट जो नोट्स आएगा उसको आपको लेना रहेगा, वो आप ले सकते हैं। इसी तरह हो सकता है कि हमारे जो है इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाए, वो आप खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऐप पे मिलेगा, इसलिए ज्ञानाश्रम ऐप भी सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब भी चीजें मिले आपको पता चलता रहे। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे सूचनाएं आपको यहां पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं BST के, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हम लोग की बात समझिएगा कि BST में टोटल जो है ना हमारा एक चैप्टर हटा दिया गया है, वो कौन सा है, वो हमारा वित्तीय बाजार, ठीक है, वो हमारा इस बार जो है सिलेबस में NCERT ने हटा दिया है। अगर उसको हटा दिया जाए तो BST में ओवरऑल चैप्टर्स कितने हैं, तो BST में ओवरऑल चैप्टर्स आपके 12 हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर जो भी आपको चैप्टर्स बताएंगे उन चैप्टर्स की संख्या कितनी है, वो चैप्टर्स की संख्या 6 है, ठीक है, 6 चैप्टर्स बताएंगे, और इन 6 चैप्टर्स से आपके बोर्ड में कितने मार्क्स तक आएंगे, तो इस 6 चैप्टर से आपके बोर्ड में जो है 75 प्लस मार्क्स फंसने वाले हैं, ठीक है, बात समझे। तो इतना इंपॉर्टेंट ये 6 चैप्टर्स होने वाला है, मतलब अगर इन 6 चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए और बोर्ड में चले गए तो आपको 75 प्लस मार्क्स मिलने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, अगर आप पूरा अच्छे से करते हैं तो। ये नहीं कि केवल पढ़ लिए याद ही नहीं हुआ जाकर के चले गए और बोले कि आ जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, पढ़ लिए, लिखना सीख लिए, बढ़िया से याद कर लिए तो आपके 75 प्लस मार्क्स आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं फटाफट देखते हैं, और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए, मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं जब हम हिंदी में बताते हैं तो बच्चे बोल रहे हैं सर इंपॉर्टेंट तो कम से कम इंग्लिश में दे दीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम वालों को मेनली, ठीक है, हमारे यहाँ हिंदी मीडियम का अभी इस चैनल पर क्लास चला है, इंग्लिश मीडियम वाला चैनल को हम ओपन करने वाले हैं कुछ समय बाद, तो उस पर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बात है, तो बच्चे हमेशा बोलते हैं सर इंग्लिश में तो बता दिए, इसलिए जो इंपॉर्टेंट्स है वो हम इंग्लिश में भी देते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी भला हो, ठीक है। इसमें समझ लीजिए क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहला चैप्टर आपको पता है, जो शुरुआत के 2 चैप्टर्स हैं, अगर आपके टीचर्स भी पढ़ाए होंगे तो बोले होंगे कि भाई ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बोले होंगे, नहीं बोलेंगे तो आप हमारी वीडियोस देखिए उसमें हम कई बार बोले हैं ये बात, ठीक है। तो शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं वो बोर्ड के ओपन चैप्टर्स हैं कि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, बड़ा ही रेयर होता है, जैसे पिछले बार अनहोनी बोर्ड भी जो UP बोर्ड के बच्चे थे उनके साथ धोखा हो गया, ठीक है, बाकी सभी बोर्ड में तो अच्छे से फंसा था, बाकी सभी बोर्ड वालों का रिस्पांस बहुत बढ़िया था मेरे इंपॉर्टेंट के लिए, लेकिन यूपी बोर्ड वाले पिछले बार जो है कभी कभी वो झक्की होते हैं वो बोर्ड के वाले, वो ऐसा पेपर बना देते कि पूरा का पूरा पेपर 2 ही चैप्टर्स को लेकर कर दिया गया था, ठीक है, 2 चैप्टर से लगभग पूरा पेपर बन गया था, तो वो बहुत ही रेयर होता है, कभी कभी ऐसा होता है, और ये एकदम जो है ये दूसरे प्लेनेट की बात हो गया, इसे कोई गेस ही नहीं कर पाता, ऐसा टाइप का हो गया। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो है
वो एक अपवाद था, लेकिन हर साल हमारा इंपॉर्टेंट पूरा फंसता है और फिर भी बीएसटी के वो दो चैप्टर्स में से फंसे थे, लेकिन बच्चे जो हमसे पढ़े थे फिर भी वो बीएसटी में 90 प्लस मार्क्स लाए थे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी क्या है बीएसटी के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सभी बोर्ड के लिए बार बार हम बोल रहे हैं। ये मत सोचेगा कि हम इस बोर्ड से मेरा आएगा कि नहीं, और अक्सर कमेंट में बच्चे बोलते हैं बीएसईबी के हैं हमें सर आएगा कि नहीं, सर हम एमपी बोर्ड के हैं, सर हम जो है छत्तीसगढ़ के हैं, सर हम इसके हैं, सर हम उसके हैं, सभी बोर्ड में ये आने वाला, ठीक है। तो पहला हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर को हम बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं और इस चैप्टर से 10 से 12 मार्क्स इस बार आने के चांसेस हैं इस बार, ठीक है। हर बार देखिए अलग अलग हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उठता है, ठीक है। तो इस बार इस चैप्टर से जो है 10 से 12 मार्क्स आने के चांसेस हैं मैक्सिमम। अब ये नहीं कि ये एकदम बोल दिया तो बस इतना ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज और एनालिसिस करके पता चलता है कि हाँ इस बार इतने ही मार्क्स के लगभग लगभग पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। बात समझे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो तो हम आपको देंगे, ठीक है। अब इस 10 से 12 मार्क्स में जो है इस चैप्टर से आ सकता है या तो एक पूरा लॉन्ग आ जाएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर ऐसा क्या होगा कि आपका एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ वेरी शॉर्ट्स आ जाएगा और इक्का दुक्का एमसीक्यूज आ जाएगा, ऐसे करके। तो इस प्रकार से आपका जो है क्या होने वाले हैं 10 से 12 मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा चैप्टर जो है प्रबंध के सिद्धांत, इस चैप्टर से यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके बीएसटी में भी दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 से 10 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। 5 से 10 मार्क्स आने का मतलब क्या है कि ये चैप्टर से दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं एक, या तो लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है एक। अगर लॉन्ग में आएगा 10 मार्क्स का आता है तो इकट्ठा हो गया, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का आता है तो एक ही क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हमारा, हम ये यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बाकी बोर्ड में 6 मार्क्स के आते हैं, बाकी बोर्ड में अलग अलग मार्क्स के आते हैं, लेकिन ओवरऑल इस चैप्टर से किसी भी बोर्ड की बात करें तो 5 से 10 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आएगा इस वाले चैप्टर से। बात समझ में आया, तो ये हमारे कितने मार्क्स के होने वाले हैं, 5 से 10 मार्क्स के इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। आप जोड़ते रहिएगा, आप मैक्सिमम पोर्शन भी जोड़ सकते हो, मिनिमम पोर्शन भी जोड़ सकते हैं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक बात समझे। तो ये बात समझ में आया, तो ये दोनों चैप्टर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात हमारा क्या है, नेक्स्ट बात हमारा जो है अगला चैप्टर, इसमें से क्या आने वाला है, इसमें हमारा जो है ना, आप लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा है उसमें से कई चैप्टर्स हैं, सारे के सारे फंक्शंस पे एक एक चैप्टर है, प्लानिंग का एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का एक चैप्टर है, ठीक है, स्टाफिंग का एक चैप्टर है, डायरेक्टिंग का एक चैप्टर है, और उसके बाद जो है कंट्रोलिंग का एक चैप्टर है। इस तरह से हमारे क्या है, इस तरह से हमारे चैप्टर्स बटे हुए हैं ना बात फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के। तो इस सारे के सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पांचों चैप्टर्स आपको जो है इंपॉर्टेंट तो बोला जाता है, लेकिन उन पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, हर साल का अलग इंपॉर्टेंट होता है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, इस साल के लिए इन पांचों चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर वो कौन कौन सा है, ये दोनों चैप्टर है, ठीक है, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। बात समझे, प्लानिंग छोड़ दीजिए, स्टाफिंग छोड़ दीजिए, अब छोड़ने का मतलब उसको पढ़ना ही नहीं है ऐसा नहीं बोले, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको पहले तैयार कर लीजिए फिर जाके उन सबको पढ़िएगा, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंपॉर्टेंट से हट करके पेपर आ जाए, तो आपको कुछ लिखने के लिए पता तो होना चाहिए, तो उन सबको भी पढ़िएगा, लेकिन ज़्यादा मेहनत करके इसको पढ़ लीजिएगा, जब ये पूरा 100% तैयार हो जाए, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ भाई ये हम कर लिए, तो फिर जाके आप क्या करेंगे, उन सब चैप्टर्स को पढ़िएगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है, तो आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है यानी संगठन जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको जो है 10 से 12 मार्क्स मिलेगा। बात समझे, 10 से 12 मार्क्स में उसी तरह एक लॉन्ग मिल सकता है, एक लॉन्ग मिल सकता है, या फिर एक शॉर्ट मिल सकता है, और कुछ जो है क्या मिलेगा, कुछ एमसीक्यूज मिल जाएगा, कुछ जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, इस प्रकार से 10 से 12 मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह हमारा निर्देशन जो चैप्टर है जिसको डायरेक्टिंग कहते हैं, इस चैप्टर से भी आपका क्या है 10 से 12 मार्क्स के जो है हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक बात। तो इन दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो देखिए क्या होगा, 20 से 24 मार्क्स बन जा रहा है, ठीक है। तो सोच लीजिए दो चैप्टर्स कितना बड़ा जो है जरूरत है इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये दो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा अभी तक जितने इंपॉर्टेंट देखें ना, उनमें से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों, ठीक है। क्या चैप्टर हैं, तो एक है हमारा व्यावसायिक वित्त, ठीक है, व्यावसायिक वित्त जिसको बिजनेस फाइनेंस कहते हैं, ये हमारा लास्ट के चैप्टर्स हैं बिजनेस फाइनेंस, बीएसटी का सेकंड पार्ट इसको अक्सर बोला जाता है। तो बीएसटी के सेकंड पार्ट में हमारा क्या है कि जो बिजनेस फाइनेंस है वो बीएसटी के सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे पहला चैप्टर उसका भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपको जो है 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। बात समझे, 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, काफ़ी कुछ भी है इसमें, ठीक है, और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगर ये चैप्टर्स के अलावा एक चैप्टर पहले होता था वित्तीय बाजार, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, अगर ये चैप्टर होता था तो इससे ज़्यादा वो चैप्टर इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन एनसीईआरटी ने वो चैप्टर पता नहीं क्यों हटा दिया, हमको भी नहीं समझ आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, फिर भी उसको हटा दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये चैप्टर फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे,
तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वो रहता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, समझे बात। तो हमारा बिजनेस फाइनेंस से इस बार क्वेश्चन उठने वाला है, अच्छा खासा उठने वाला है, बात समझे, तो उसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो हमारा चैप्टर है इन सभी में, छह चैप्टर्स में, वो है हमारा विपणन, ठीक है, जिसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो है 15 से 18 मार्क्स का अकेला जो है ये चैप्टर आपका तैयारी कराने वाला है, समझे बात। तो इस तरीके से आपका जो है टोटल 6 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे और आपका जो है पूरा का पूरा जबरदस्त जो है बीएसटी तैयार हो जाएगा। 6 चैप्टर्स पढ़ लिया, उसके बाद जो है बाकी 6 चैप्टर्स को आप आराम से जो है पढ़ते रहिएगा। पहले इनको 100% जरूर करिएगा, ऐसा तैयारी कीजिएगा इसका कोई भी क्वेश्चन आए आपको जो है मुंह जबानी याद हो, आप फटाफट लिखने के काबिल हो, इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया बीएसटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। आगे चल करके हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के चैप्टर इंपॉर्टेंट वाले दो पार्ट में बनेंगे, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट, इस तरीके से दो पार्ट में उसके वीडियोस बनेंगे, क्योंकि वो दोनों थोड़ा बड़ा बड़ा है। या तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में दोनों का इंपॉर्टेंट बता दें, बस थोड़ा सा वीडियो हो सकता है शायद बड़ा हो जाए, तो वो आप लोग सीख लेंगे। और उसके बाद जो है जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा वो हम देना स्टार्ट करेंगे और आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए बोर्ड का, क्योंकि अभी जो है समय देखा जाए तो कमी है, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड में तो थोड़ा समय है, लेकिन कुछ बोर्ड जनवरी में और कुछ बोर्ड फरवरी में हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो है जैसे फरवरी में तो यूपी बोर्ड भी है, तो कुछ बोर्ड जनवरी में भी हो जाता है जैसे बिहार बोर्ड, तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको दिया जा रहा है, पढ़ना स्टार्ट करें, याद करना स्टार्ट करें, एकदम जबरदस्त तैयारी कीजिए। हम लोगों का इस बार संकल्प है 95+ मार्क्स लाने का, हर बार 90+ का संकल्प रहता था, इस बार 95+ लाना है। तो हम लोग सब लोग साथ में मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो पक्का ये होने वाला, ठीक है। तो चलिए बात को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।